हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? देखिए, जब आपका बेबी 6 महीने कंप्लीट करता है ना और अपनी सॉलिड फूड की जर्नी शुरू करता है, तो एज अ पेरेंट्स हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हमें अपने बेबी की डाइट में सेरेलेक इंक्लूड करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ये कितना सेफ होता है। तो देखिए, मैं इसका सीधा कोई आंसर नहीं करूंगी इस वीडियो में। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको सेरेलेक के प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगी, और फैसला कम्प्लीटली आपको लेना है, क्योंकि आपके बेबी के लिए आपसे बेहतर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा खींचते नहीं है और वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं प्रोस के ऊपर मैं डिस्कस करूंगी। 5 इसके मेन प्रोस होते हैं। पहला, ये एक इंस्टेंट फूड है। आप बॉइल्ड क्लीन वाटर लो, सेरेलेक पाउडर मिलाओ, इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है और आपका खाना तैयार हो जाता है विद इन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स कह लो। अगर आप एक वर्किंग मॉम हो ना, तो आपके लिए काम के साथ साथ अपने बच्चे को संभालना बहुत डिफिकल्ट होता होगा, तो उस केस में ये एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए। दूसरा, ये सेरेलेक ना इजी टू डाइजेस्ट होता है बेबीज के लिए, बहुत कम बच्चों को इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तीसरा, इसका टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब बेबी को आप शुरू में सॉलिड फूड खिलाओगे ना, तो खिलाना भी ना एक जंग जीतने के बराबर होता है, क्योंकि बेबी को 1 ईयर से पहले ना आपको सॉल्ट देना है ना शुगर देना है, और बेबी जो फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्टफीड पे था, वो एक मीठे साइड में था, और अचानक से एक ऐसा फूड में आपको उसको ट्रांसफर करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। चौथा, ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली होता है। देखिए, जब हम कभी भी ट्रैवल करते हैं ना एक छोटे से बेबी को लेके, तो उसका खाने का टेंशन हमें बहुत ज्यादा होता है कि वहां पे वो हाइजीन हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बाहर का खाना। तो ऐसे केस में आप सेरेलेक पाउडर कैरी करिए और बॉइल्ड क्लीन वाटर आप कैरी करिए, या आपको मिल भी जाएगा, और उसको मिला के उसको बेबी को खिला दीजिए, हाइजीन का कोई टेंशन नहीं रहेगा। पांचवा, ये रिच इन आयरन होता है। जो इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करेंगे तो बहुत क्लियर शब्दों में लिखा रहता है कि ये बहुत रिच होता है आयरन में, आयरन का ग्रेट सोर्स होता है। तो इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द बेबी को आयरन डिफिशियंसी हो जाता है, इसीलिए फोर मंथ्स के बाद डॉक्टर आपको बेबीज के लिए ना आयरन ड्रॉप देंगे, सप्लीमेंट्स जो आपको बेबी को देना होता है, तो उस केस में भी अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये सारे प्रोस है। अब मैं आपको इसके कॉन्स के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये एक पैकेज्ड फूड है, पैकेज्ड फूड। तो ये पैकेज्ड फूड ना हम बड़ों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप खुद सोचिए एक छोटे बेबी के लिए पैकेज्ड फूड कहां से अच्छा होगा ना। आपको ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फ्रेश फूड की तरह, प्रिजर्वेटिव अलग से मिलेंगे आपको, तो आप खुद सोचिए कि बेबीज के लिए पैकेज्ड फूड कैसे अच्छा हो सकता है। दूसरा, ये एक्सपेंसिव होता है। देखिए, आप कंपेयर टू फ्रेश फूड, आप अभी के टाइम में बेबी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा, ग्रूमिंग के लिए एक्सपेंस करो, उसके क्लोथ्स के ऊपर खर्चा करो, डायपर के ऊपर खर्चा करो, उसके बाद अलग से सेरेलेक का एक्सपेंस आप जो आपको बियर करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तीसरा, आप अगर बेबी को शुरू से ही सेरेलेक दोगे ना, तो फिर वह घर के खाने का उसको टेस्ट नहीं आएगा, वो एडिक्टेड हो जाएगा खाने का, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसका खाना क्या होता है ना, ये मीठा साइड में होता है, फिर वह फ्रेश फूड का जो आपके घर के खाने का टेस्ट है ना, वो उसको आ नहीं पाएगा। चौथा, देखिए, इसमें ना एडेड शुगर होता है आपको, और अगर आप WHO का रिकमेंडेशन सुनेंगे ना, तो 2 ईयर से पहले आपको अपने बेबी के डाइट में शुगर इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इससे बेबी को टूथ देके फ्यूचर में चल के लॉन्ग टर्म ओबेसिटी या फिर डायबिटीज होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी बेबी पे जो मैं बताऊंगी आपको, आप कोई भी चीज मॉडरेशन में दे सकते हैं। मॉडरेशन में कोई भी चीज अगर आप अपनी बेबी के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वो सही है। अगर आप बेबी को 3 या 4 खाना खिला रहे हो, तो कभी स्नैक्स में आपने बेबी को सेरेलेक दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप मील में दोगे ना, तो आपका बेबी बहुत एडिक्टेड हो जाएगा, और बाद में आपको अपने बेबी को घर के खाने में लाने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहती हूँ कि मैंने अपने बेबी के साथ क्या किया था। मैंने अपने बेबी के साथ सेरेलेक कभी यूज नहीं किया, कभी भी नहीं। जब वह 10 मंथ्स की हुई, तो हमें ट्रैवल करना था, हमें घूमने जाना था दीघा, तो मैंने एक सेरेलेक खरीदा था उसके लिए,
और मैंने उसको खिलाने का कोशिश किया, बट मैं ऑनेस्टली बताऊंगी उसको टेस्ट एकदम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको मेरे पता नहीं, उसको शुरू से आदत हो गया था, उसको मेरा खाना ज्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू सेरेलक जिसमें की चीनी था। वो विदाउट सॉल्ट और शुगर पे थी, फिर भी उसने सेरेलक को कम्प्लीटली रिफ्यूज कर दिया, तो उसको सेरेलक अच्छा नहीं लगा। अगर आप शुरू से ही बेबी को सिर्फ सेरेलक खिलाएंगे, एक तो आप उसको एडल्ट शुगर खिला रहे हो जो उसके लिए अच्छा नहीं है, एक्सपेंसिव हो जा रहा है आपके लिए, और आपका बेबी सबसे इम्पोर्टेंट, अब जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होता है ना बेबी को जो फ्रेश फूड से मिलेगा, वो आप उसको उसके डाइट में आप नहीं दे पा रहे हो। और बाद में अगर आप सोचोगे वन ईयर डेढ़ साल के बाद आपका बेबी जो आपके घर के खाने पे आ जाता, अब वो इतना एडिक्टेड हो चुका होता है ना कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको घर के खाने में लाने में आपको। तो अगर आप मॉडरेशन में कोई भी चीज यूज कर रहे हो ना तो वो सही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सारे मील में ही आप उसको या मेन मील में ज्यादा आप सेरेलेक दे रहे हो, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ज्यादा ठीक नहीं होगा आपके बेबी के लिए। बट फैसला तो अब बस आपको लेना है। मैंने बस आपको प्रोज एंड कॉन्स बताया कि क्या सही है और क्या गलत हो सकता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बाकी फैसला आपको लेना है कि आपके बेबी के लिए सेरेलेक कितना सेफ है या कितना हार्मफुल है। तो आई होप अगर आपने आपका बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर चुका है और आपने सॉलिड फूड का जर्नी शुरू करने से पहले सेरेलेक के ऊपर में मतलब सोच रहे कि इसे इंट्रोड्यूस करे या ना करे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर कोई न्यू मॉमीज है जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।